किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो, परमपिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। साथियों, मैं अमित महला फ्रॉम हरियाणा से। वैसे तो इससे संबंधित हमने कुछ वीडियो पहले भी बनाए थे, लेकिन वो काफ़ी पुराने समय में हमारे द्वारा बनाए गए थे और शायद उस समय आधी अधूरी जानकारी भी हमारे माध्यम से रही होगी। लेकिन अब आप लोगों के बीच में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रति जो भ्रांतियाँ आपके दिमाग में जो दिनों दिन राज करती जा रही हैं, घर करती जा रही हैं, उस विषय को मैं आज कुछ अपने वक्तव्य के द्वारा मैं दूर करना चाहता हूँ। शायद मेरे द्वारा बताई गई इस जानकारी से आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट भी होगा, फ़ायदा भी होगा। आज से पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग में काफ़ी दुविधाएं आपको आई होंगी, रास्ते में काफ़ी नुकसान भी आपको हुआ होगा, ये मैं मानता हूं, क्योंकि मैं स्वयं इस चीज़ का भुगत भोगी रहा हूं। आज से अगर 7 साल पहले को हम लेके चलें, जब से हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत की थी, हमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना साथियों करना पड़ा था। लेकिन माननीय डॉक्टर श्रीमान कृष्ण कुमार चंद्रा जी के द्वारा जब वेस्टी कंपोजर हमारे बीच में आया, तो हमारी काफ़ी हद तक की समस्याएं ख़त्म ही नहीं दूर तक चली गई, जिसका आज तक हमें यानी उनके लिए कोई भी ऐसा शब्द हमारे पास नहीं है जो हम बता सके, क्योंकि उन्होंने ऐसा उत्पाद बना के हम लोगों के बीच में लाने का काम किया और हमें ऐसा उत्पाद देने का काम किया जिसका पूरी दुनिया ही बेनिफिट उठा रही है। हमारे देश के केवल हमारे देश के ही किसान उस चीज़ का बेनिफिट नहीं उठा रहे हैं, बल्कि कम से कम 100 से 125 देश के फार्मर इस वेस्टी कंपोजर का बेनिफिट साथियों उठा रहे हैं। आज शाम को घंटे दो घंटे पहले की ही बात है, हमारे एक साथी का व्हाट्सएप मैसेज हमें सुनने को मिला और काफ़ी हमें दुख भी हुआ। उस साथी ने अपना पूरा विचार हमारे बीच में रखा कि सर, हम रासायनिक दवा ला ला के थक चुके हैं, हमारी सर इतनी हिम्मत नहीं है कि अब हम रासायनिक दवा हम खेत में ला के या खरीद के हम डाल पाए, हम इतने परेशान हैं कि हम कुछ बता नहीं सकते हैं, हमें कोई ऐसा उचित रास्ता आप बताइए ताकि हम जैविक खेती में अपना बेनिफिट उठा सकें, जैविक खेती में हम अपने खर्चों को कम कर सकें। साथियों, मैंने काफ़ी वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में पहले भी शेयर करने का काम किया था, जब भी आप रासायनिक खेती को छोड़ के जैविक खेती में कदम रखने की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले आपका मुख्य रूप से दायित्व जो बनता है वो ये है कि आप अपने खेत की मिट्टी और पानी की जांच अवश्य कराएं, ताकि आज जो हमारे किसान साथी के साथ जो दुविधाएं हो रही हैं, भले ही हो हमारे एक साथी के साथ, लेकिन वो समस्याएं सबकी हैं और वो उस समस्या का सामना किसी भी साथी को करना पड़ सकता है। इस बात से बिल्कुल कतई ही दूर नहीं हुआ जा सकता कि रासायनिक पेस्टिसाइड, रासायनिक उर्वरक से आज मानते हैं बड़े एरिया में फार्मिंग करने वाले किसान जिनके पास काफ़ी मात्रा में ज़मीन है, बहुत लंबे 76 एकड़ में उनका उत्पादन होता है, वो खुद तो फार्मिंग करते नहीं हैं, पैसे की उनके पास कोई कमी नहीं है, तो उनके लिए रासायनिक लाना, रासायनिक पेस्टिसाइड का यूज़ करना कोई भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन जो किसान साथी हमारे बीच में 2 एकड़, 1 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़ के जो फार्मर रहते हैं या जो फार्मिंग करते हैं, आज वो अपने सच्चे दिल से अगर हाथ रख के देखेंगे तो रासायनिक खेती में उनको 1 रुपए की भी बचत नहीं हो रही है, या ये कहें कि वो रासायनिक खेती कर करके थक चुके हैं। क्योंकि जब आपने रासायनिक डालना अपने खेत में शुरुआत किया था, मानता हूं कि उस समय उत्पादन आपका अच्छा हुआ, लेकिन उस समय कुछ मात्रा में रासायनिक हवा हमारे खेत में डालने की जरूरत होती थी, ज्यादा मात्रा में जरूरत नहीं होती थी। लेकिन आज स्थिति ऐसी पैदा हो गई कि जब हम आज से 10 साल पहले अगर 20 किलो या 10 किलो यूरिया की शुरुआत हमने की थी, तो आज वो यूरिया और वो डीएपी की जो मात्रा है वो क्विंटल से ऊपर जा चुकी है। उत्पादन तो वही हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हमारे रासायनिक पेस्टिसाइड का खर्चा, रासायनिक उर्वरक का खर्चा दिनों दिन बढ़ रहा है और अत्यधिक मात्रा में या ज़्यादा मात्रा में रासायनिक पेस्टिसाइड और रासायनिक उर्वरक का उपयोग करने की वजह से
हमारे साथ एक सबसे बड़ी दुविधा ये हो रही है कि हमारी जमीन का जो पीएच मान है वो लगातार लगातार बढ़ता जा रहा है और हमारा जल स्तर जो है वो नीचे चलता जा रहा है और जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन घटता जा रहा है। क्योंकि आज जिस माध्यम से ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ना चाहिए या जिस माध्यम से ऑर्गेनिक कार्बन की बढ़वार अधिक मात्रा में होनी चाहिए या जमीन का पीएच मान सामान्य स्तर पर होना चाहिए, तो वो फसल के अवशेष को खेत में दबाने से, गोबर की खाद खेत में डालने से या रासायनिक बंद करने से ही पॉसिबल हो पाएगा। किसान साथियों, आप इस बात को भली भांति जानते हैं, जैसे जैसे रासायनिक पेस्टिसाइड और रासायनिक उर्वरकों की मात्रा हम बढ़ाते जाएंगे, हमारे जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन घटता जाएगा। ऑर्गेनिक कार्बन जैसे जैसे घटता जाएगा, रासायनिक उर्वरक की जो मात्रा है उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। ये मैंने काफी वीडियो के माध्यम से बताया है। मानता हूं ये वीडियो लंबा बनेगा और इस वीडियो के पार्ट भी दो बनेंगे ताकि आपको भविष्य में किसी तरह की समस्या ना आए। आज मैं उस संपूर्ण पहलुओं पर आप लोगों के बीच में प्रकाश डालूंगा, क्योंकि अब भी हमारे फार्मर जो हैं बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं। आज 2 एकड़ की अगर फार्मर की बात करें तो बाजार से अगर पूरा आंकलन अगर आप निकालते हैं तो 5,000 या 10,000 रुपए वो एक सीजन की फसल में बचा पा रहा है। अगर उपयोग और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग इसी तरह हम करते रहे तो मेरे प्रिय किसान साथियों, वो दिन दूर नहीं है कि आपको खाने के लिए अनाज भी कहीं दूसरों से लाना होगा। आज हमारे काफी मेहनती किसान साथी और काफी अनुभवी किसान साथी जो हमारे बीच में ऑर्गेनिक फार्मिंग को करते हैं, जो काफी सालों से कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसे साथी भी हैं जो कम से कम 15 से 20 सालों से ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और उन्होंने एक प्रचंड झंडा लहराने का काम किया है। अपनी धरती माता को बचाने का उन्होंने काम किया, रासायनिक उनके दूर दूर तक ही विराजमान नहीं है। अब सवाल हमारे सामने ये आता है कि हमें जैविक खेती में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ परेशानियाँ आ रही हैं, हम क्या करें, हम बाजार नहीं जाना चाहते। आज उस किसान साथी की दुविधा को सुनकर मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ। उस साथी ने जिस शब्दों में मेरे से पूछा कि सर हम क्या करें, क्या रास्ता है हमारे पास, तो साथियों मैं आप लोगों के बीच में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कल के पार्ट में या आने वाले वीडियो के पार्ट में मैं आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा, ज्यादा चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। बस हमें समझने का प्रयास हमें करना है, वो आप किस रूप में समझ पाते हैं, किस तरीके से समझ पाते हैं, वो हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे। और साथियों आज इस मंच के माध्यम से या इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भले ही आपकी चाहे जैसी भी खराब जमीन क्यों ना हो, चाहे भले ही आपके खेत में खरपतवार का एक तिनका तक ना उगता हो, अनाज तो दूर की बात है, अगर ऐसी जमीन भी आपके पास है तो उसको भी हम सुधारने का काम करेंगे और वो किया भी है हमने। ऐसे उदाहरण हमारे बीच में काफी हैं, जिस जमीन में घास का एक तिनका नहीं उगता था आज उस खेतों में फसल लहरा रही है। लेकिन साथियों करना आपको उस प्रकार पड़ेगा जिस तरीके से हम बताने का आप लोगों को प्रयास करेंगे। आज मैं धन्यवाद करता हूं माननीय डॉक्टर श्रीमान कृष्ण कुमार चंद्रा जी का, जिनके द्वारा निर्मित वेस्टी कंपोजर ने हमें बहुत बड़ा सहारा दिया। बहुत बड़ा सहारा ही नहीं, जैविक खेती की दिशा को बदलने का काम उन्होंने किया। धन्य है वो और उनको सलाम करते हैं, सलूट करते हैं हम। तो साथियों घबराने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको बाजार में जाने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिस भी जमीन में या जिस भी प्लॉट में आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं
उस जमीन की मिट्टी और पानी जांच आप एक बार अवश्य करवा लीजिए, और वो मिट्टी और पानी की जांच की जो रिपोर्ट आए वो मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज अवश्य कर दीजिए। कैसी भी समस्या आप लोगों के बीच में आएगी तो उनको हम दूर करने का काम करेंगे। और साथियों, मैं इस पार्ट को ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा, आने वाले वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ टिप्स और कुछ ऐसी चीजें जो कुछ महत्वपूर्ण माइक्रो न्यूट्रिएंट जो आपको बनाने चाहिए उसके बारे में आपको जानकारी देने का काम करूंगा। तरह तरह के उत्पाद आपको बनाने की साथियों कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। आप जहां भी रहें खुशी रहें, अच्छे रहें, और जिन भी साथियों को OWDC का बोतल नहीं मिल रहा हो वो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पूरा पता टाइप करके भेज के OWDC की बोतल प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।